हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सरी वाला चैनल की एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप जानते ही हैं, एक कीड़ा होता है ब्लैक एफिड, जिसे हम ब्लैक बग भी कहते हैं, और वो खासकर गुलदावरी के पौधे पे पाया जाता है। ये पत्तियों के पीछे या जो कली होती है उसके नीचे जो स्टेम वाला हिस्सा होता है वहाँ पर पाया जाता है, और इसकी वजह से जो हमारा पौधा होता है वो काफ़ी स्ट्रेस में आ जाता है। जो पत्तियाँ होती हैं वो पीली हो जाती हैं, इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है पौधे की, और जो कलियाँ होती हैं उसकी भी खिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमें इस कीड़े से अपने पौधे को कैसे बचाना है, किस दवाई का हमें स्प्रे करना चाहिए ताकि जो ये कीड़ा है वो गिर जाए यानी कि मर जाए और हमारा पौधा वापस से खिलने लगे। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब भी हमारे पौधों के ऊपर कीड़ों का अटैक हो तो हमें इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जानने वाली बात यही होती है कि हमें कौन सा जो है इंसेक्टिसाइड यूज़ करना चाहिए। तो आज जो है मैं इमिडा क्लोप्रेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका ब्रांड नेम अडोर है और ये 17.8% इसकी जो है कंसनट्रेशन। इसको जो है मैं आधा लीटर पानी में 2 से 3 बूंद डालूंगा और उसको अच्छे से शेक करके पानी को जो भी इंफेस्टेड एरिया है मेरे पौधे का उसके ऊपर डाइट स्प्रे करूँगा, और इसको जो है मैं 2-3 दिन के लिए आराम से छोड़ दूंगा। 2-3 दिन बाद जो है जितने भी एफिड्स हैं वो मर के गिर चुके होंगे और हमारा जो पौधा है वो वापस से हेल्दी कंडीशन में आ चुका होगा। अभी मैं आपको रिजल्ट भी दिखाता हूँ कि इस पौधे के ऊपर 2 से 3 दिन बाद क्या कंडीशन है एफिड्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितने भी एफिड्स हैं वो मर कर गिर चुके हैं और हमारा जो पौधा है वो वापस से अपनी हेल्दी कंडीशन में आ चुका है। जो कलियाँ हैं वो भी अच्छे से खिलेंगी और जो पत्तियां हैं वो वापस से रिकवर होना स्टार्ट कर देंगी। इस दवाई ने हमारे पौधे के ऊपर भी कोई नुकसान नहीं करा है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप अब आप अपने गुलदावरी के पौधों को इन एफिड के अटैक से बचा सकते हैं और उनकी जो ब्लूमिंग है वो वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप ये दवाई खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस दवाई का लिंक दे दूंगा ताकि आप उस लिंक से डायरेक्टली दवाई परचेज कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी अगर मैं नई वीडियो डालता हूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।